हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, मुझे बिल्कुल ठीक है। और मैं बना रही हूँ सुबह सुबह आज सैंडविच बच्चे के टेबल के लिए। बहुत दिन बाद बच्चों के टेबल में मैं सैंडविच रखती हूँ। ये सैंडविच आजकल मैं सेम टाइम बनाती हूँ, सेम टाइम खिला देती हूँ। अभी पैक वगैरह नहीं किया, आज नहीं कर रही हूँ, कोई तो है नहीं, प्याज और शिमला मिर्च काट कर सॉस मोहल्ली चीज मिलाती है, नमक जीरा चावल चले डालती हूँ, चिली फ्लेक्स डालती है, चिली डालती हूँ। कपड़े धोने लगी थी और बीच में लाइट चली गई, देखो पूरा टाइम चला। अब 11 बज चुके हैं, कपड़े धो के हटी हूँ और मैं झाड़ू पोछा मतलब रहना करना बाकी है, और पोछा पाछी मैंने सारी कर दी है घर की। तो आज मैं रात में सोई नहीं थी, पता नहीं क्यों मेरे फेस में खुजली चल रही थी, बहुत बुरी तरह, खोर भी नहीं सकती थी और खुजली बहुत चल रही थी। तो पूरी रात ऐसे ही निकल गई और सिर में दर्द हो गया। मशीन चलाई थी कि भाई मन बटा रहेगा और काम भी कर लूँगी, तो मशीन एक चक्कर ही हुआ था, दूसरे चक्कर में लाइट चली गई थी। फिर लेट आई 9:30 बजे सी, फिर मैंने पूरा घर की पूछताछी करके ना फिर मैं सो गई थी। और फिर मैं वो उठ के फिर कपड़े धोती है, कंप्लीट कर दिए हैं और सुखा ये कपड़े यहाँ बालकोनी में सुखा, नावड़ भी ना रहे इतने कपड़े हो रहे, क्योंकि गांव में चले गए थे वही हिसाब से डबल कपड़े हो रहे हैं, वह चेयर पर भी डाल दिए है। और कपड़े और से मैं फ्री हो गई हूँ और फिर मैं काट रही हूँ झाड़ू, झाड़ू निकालना बहुत जरूरी है। अब झाड़ू पोछा करके नहा के फिर मैं जाऊँगी मार्केट, बेटी के लिए प्रैक्टिकल लेके आ रही है, तो कर लेते हैं काम को फटाफट। देखो बस क्या वक्त बैठी थी मैं कपड़े समेटने के लिए, बीच में लाइट चलेगी, मैं 2-4 जोड़ी रह गए, तो अब रह गए तो रह गए, अब बस की ना भाई। मैंने चेयर पर रख दिए हैं और अलमारी में भी कपड़े रख दिए हैं, और अब अलमारी को कर देते हैं बंद। डिनर का टाइम हो गया, डिनर बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, भिंडी की बनाऊंगी। कुछ बर्तन पड़े हैं सिंक में बर्तन, और बीच में फौजी का फोन आ रहा है, उसको उठा लेते हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी सब बढ़िया हैं। मैं झाड़ू तो निकाल चुकी हूँ, झाड़ू निकालने के बाद शैतान का है ना दिमाग, तो क्या करे, तो बुद्धि घूमगी मेरी, मैं सोचे थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू निकालने के बाद घूमी, पहले घूम जाती तो डबल मेहनत नहीं होती, और हाथ से लगा दूँगी पोछा। झाड़ू तो दोबारा नहीं निकालूँ, मैंने सारे दरवाजे पूछ दिए हैं, बाहर भीतर खिड़की, और मैं थोड़ी थोड़ी फिरी फिरी पीछे ऐसी होती है जैसे रुआ रुआ ऐसे ना जम जाते हैं, इस टाइप के जमे हुए थे दरवाजे पे, सारे साफ क्लीन कर दिए हैं बाहर भीतर से, 7-8 जोड़ी है दरवाजे की, तो सारे क्लीन हो गए। और मैं लग रही हूँ फिलहाल रसोई में, और सिर में मैंने रमा लिया है तेल, क्योंकि मैं सिर भी धो लूँगी साथ की साथ में, और रसोई का काम खिंडा दिया मैं नीचे का, ऊपर का आज नहीं करूँगी, ऊपर का वैसे ठीक ही है, सामान वामान वैसे ही खिंडा हुआ है, वैसे ठीक है, ओके। ऊपर से अलमारी अलमारी ना किचन पूरी भरी हुई है टांड, क्योंकि ये बर्तन जचा देंगे तो खाली हो जाएगी, उसमें ऐसा कुछ खास ऐसा नहीं है, पर नीचे का लग रहा है मुझे खाजू बोजू सा, तो इधर का मैंने साफ कर दिया। देखो सिलेंडर साफ करके अंदर घुस दिया है, और ये आप अच्छे से पोछा लगा दिया है, और ये पूरी ये है टोकरी प्याज आलू की, ये बिल्कुल क्लीन कर दी है मैंने पूछ पाछ के, बढ़िया डाल, तो इसको जचा देती हूँ। और ये बाल्टी साथ में, बाल्टी मेरा एक्स्ट्रा पन्नी वगैरह रहती है, जब ये कीर्तन वगैरह करवाते हैं तो बहुत ज़रूरत पड़ती है पन्नी की, डेली का काम है, पॉलीथीन आना है आना, मेरे तो कहती साफ़ सुथरी पॉलीथीन रखती हूँ, बिल्कुल जो गंदी होती है वो मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो भाई मैं अब कर लेती हूँ घर का काम, झाड़ू पोछा यहाँ से उसमें मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि आज मैं लगाऊंगी बैठ के पोछा लगाती हूँ, पूरा टाइम लगता है, हर चीज़ को हटा के मैं पोछा लगाती हूँ, जिस दिन बैठ के लगाती हूँ, खड़ी होके मतलब खड़े वाले पोछे से लगाती हूँ ना, तो फिर भी मैं आड़कस कर देती हूँ कि रे
कर देती हूँ फटाफट, कोई बात नहीं। जिस दिन मैं बैठ के लगाती हूँ तो मैं एक सामान नहीं छोड़ती जहाँ पे मैं पोछा नहीं लगाती, कुछ भी हो जाए मैं लगाऊंगी हटा के। तो भाई अब लगा लेते हैं हटा के। पोछा बहुत लेट हुआ क्योंकि मैंने साफ सफाई के लिए घर कैसे चमक गया, फर्श को चमका दिया, हर चीज़ नीचे नीचे जो भी रखी है हर चीज़ को चमका दिया है। और अब मैं लंच बना रही हूँ, लंच में मैंने ये अलूनी घी का जो जल गया ये अलूनी घी डाल के बनाती हूँ ना तो ऐसी धुआं उठती है। ये घी रखा था, इसमें हल्की सी स्मेल हो गई तो मैं सोची परांठे बना के दे देती हूँ बच्चों को। भाई मेरा लंच बन चुका है, अब खा लेते हैं। सब्जी है और लस्सी है गांव की और चटनी भी है, और सबने खाना खा लिया, मैं बाकी रह रही हूँ। मेरे बच्चे खा रहे हैं, इनको अब बाद में साफ करेंगे क्योंकि बहुत धुआं धुआं सा है ना, ये गाना है ना धुआं धुआं। जो भी है तो जब तक तो ये धुआं भी खत्म हो जाती है और गैस ठंडा हो जाता है फिर साफ करेंगे। अरे फिर ये बर्तन क्या करें।